अब आप देखिए अब्दुल कलाम साहब, जैनुल आबिदीन कलाम साहब, इंडिया के साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, एटॉमिक साइंटिस्ट, डीआरडीओ, इसरो, बाद में राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, तो उनको माइनॉरिटी के साइंटिस्ट है बोले? कलाम साहब आ रहे हैं अब स्टेज पे, माइनॉरिटी से आ रहे हैं बोले? तो ये सब जो बातें हैं, ये माइनॉरिटी माइनॉरिटी, ये जहां बोलना है वहीं बोले तो अच्छा दिखता, नहीं इलेक्शन के करीब बोलना, ये माइनॉरिटी बोल के वोट ले लेना, वो साल भर माइनॉरिटी माइनॉरिटी बोले तो आने वाले बच्चों को बुरे को जो है पैदल कर दे रही उनको ना कुछ भी। अब वो बच्चा जो है उन्हें कोई एग्जाम में कम्पीट कर रहा है, कोई भी मेडिकल एग्जाम में, इसमें उसमें कुछ भी जो भी है, तो अब उन्हें वही सोचेंगे मैं इनको माइनॉरिटी में रैंक। अरे माइनॉरिटी में रैंक कहीं को लाते मेरे भाई? तुम अच्छा पढ़ो लिखो तो मेजोरिटी में तुम्हारे को रैंक। मैं तो डॉक्टरी इंजीनियरिंग कुछ भी उतना तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन अगर मैं उतना अगर जहीन होता, उतना बड़ा आदमी नहीं हूं मैं, तो मैं माइनॉरिटी का रैंक मेरे को आता भी तो वापिस कर देता था मैं। ये माइनॉरिटी वाइनॉरिटी ये सब नहीं होना मेरे को बोल के मैं फिर से लिखता हूं इम्तिहान, मैं पढ़ के लिख के फिर आता हूं मेजॉरिटी के बराबर आके, मैं मेजॉरिटी में ही लेता हूं मैं सीट, चाहे वो इंजीनियरिंग रहो चाहे मेडिसिन रहो कुछ भी रहो, बोलता था मैं क्यों अपने आप को पहले ही जो है वो कर लू, मैं माइनॉरिटी हूं, मेरे को एक छोटे कमरे में रखो आप, मैं वहां का जो है बादशाह बन के बैठता हूं, वैसी मेरी सोच है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है मेरी वो सोच।